न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में और ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र के पोखरिया ग्राम पंचायत में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसको लेकर पूरे इलाके में हलचल है। वो सनसनीखेज क्या है, खबर क्या है, कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया कि एक पोखरिया ग्राम पंचायत के जो प्रधान रिप्रेजेंटेटिव है शमशाद आलम, उस पर गोली चलाने का आरोप है और सीधे तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर गोली चलाने का देर रात आरोप लगाया है। हालांकि इस गोली चलाने वाले कांड में किसी की कोई जानी नुकसान नहीं हुई है, किसी को कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन क्या सच्चाई है वो हम जानेंगे शमशाद प्रधान जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे कि आखिर ये घटना क्या है। हालांकि कांग्रेस के जो एक शिष्टमंडल ने कुछ ही देर पहले यहाँ के पुलिस प्रशासन पे जाकर कंप्लेन किया है, क्या मामला है हम उनसे सीधे तौर पर जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद जी। शमशाद जी बताइए, क्या आप पर जो आरोप लग रहा है, आपने किसी पर रात को आज गोली चलाई है, इस तरह का आरोप? देखिए, वो तो हम आप लोगों के माध्यम से ही सुने जो ऐसा आरोप लगा रहा है। अच्छा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे विरोध में है कुछ आदमी, हमारे गांव से इलेक्शन पंचायत ग्राम पंचायत इलेक्शन हो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर हमेशा वो सब आरोप लगाते रहता है, उससे कोई आने जाने वाला नहीं है ऐसा। हाँ, बल्कि हमारे ऊपर गोली चलाने का वो लोग धमकी दिया है, वो हमारा फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने से वो रिकॉर्डिंग भी हम ही करेंगे। अभी हम लोग देखे ना कुछ देर पहले कांग्रेस के कुछ मंडल है, कांग्रेस के लोग जो है जाके पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत माफ कीजिएगा वार्ड पोस्ट में आपके पुलिस को कंप्लेंट, अगर विरोध में जाता है तो हम लोग भी जाएंगे विरोध में, देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का तो ज़मीन नहीं है, कांग्रेस का कोई ज़मीन नहीं है यहाँ पर, विधानसभा में है ना, लोकसभा में ना, ग्राम पंचायत में है, इस वजह से वो लोग ये सब घटना कर रहा है। तो आप पर इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? ये तो वो लोग करते रहता है हमेशा और करते रहेगा, उससे हमको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे आदमी सबको भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उस तरह से आरोप लगाएगा तो हम तो आरोप नहीं लगाएंगे, वो जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो ये है ओरिजिनल है, उसको ही हम पेश करेंगे, क्योंकि ये माँ माटी मानुष की ज़मीन है, माँ माटी मानुष जिंदाबाद। चलिए, ये पोखरिया ग्राम पंचायत के प्रधान रिप्रेजेंटेटिव शमशाद आलम, उनको सीधे तौर पर जो आरोप उन पर लग रहे हैं उन्होंने सीधे तौर पर उसको खारिज किया है, उसको एकदम बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन हम इस गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे, उनके समर्थनों से बात करेंगे। सर, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं सर? हम सन्नावारी वार्ड है, हमारा जौना है हमारा घर। नाम सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद तैयब हुसैन। सर, ये जो गोली चलने का जो मामला है, रात को आवाज़ हुई, आप लोग उस पर कहाँ पे थे सर? हम लोग तो साथ में थे, साथ में रहने के बाद वो घर गया, हम अपना घर चला गया, हमारा देवना घर पड़ता है। अच्छा। और ये सब जब होता है ना, ये सब ये लोग करते रहता है हमेशा। तो आपने गोली चलने की आवाज़ सुनी? ना ना ना, कोई आवाज़ नहीं सुना, ये तो आरोप है, ये पूरा आरोप लगाया है। आरोप है, आरोप लगाता है। इस तरह का आरोप प्रधान साहब पर लगा रहे हैं क्या? प्रधान का पर वो लोग आरोप लगाता है, सब काम करता है ना, तो वो लोग का थोड़ा जलन होता है। अच्छा। और वो लोग का मतलब से वो लोग काम चाहता है। अच्छा। किसी का मतलब से काम नहीं होगा यहाँ पर, प्रधान जो डिसाइड करेगा वो लोग पब्लिक को मानना पड़ेगा। अच्छा। और वो जो पब्लिक प्रधान सही काम करता है उस काम में वो लोग आरोप लगाता है, कोई भी काम में, जैसे हमारा पुल हुआ उसमें भी जाके वैसा किया, रात में जाके गाली देता है और कुछ भी करता है, ये लोग वैसे करता रहता है। ठेकेदार को भी पूछ लीजिएगा आप, जो पुल में रहता है, उस दिन मिलाद में भी वैसा हुआ, जो दारू पी के जाके रास्ता में ये गाड़ी लगा दिया, जाने नहीं देंगे वो लोग, ये सन्नावारी वाट का है। तो ये जो गोली चलने का घटना है, ये क्या है? ये तो एकदम फालतू बताता है वो लोग, सरासर गलत है। जो भी जाता है वो लोग वहाँ, जब गोली चलाया सब हम लोग को लेके जाता, हम लोग करते, हम लोग सब फैसला कर देते, वो लोग दौड़ा फारी ऐसे मैंने झूठ मूठ में, हमारा ऊपर भी पहले केस किया था, कोई भी केस किया था ऐसे झूठ मूठ में कर देता है। चलिए, ठीक है। तो ये थे यहाँ के लोकल लोग, हम और भी कई लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति है सर, आप बताइए, जो आपके प्रधान जो आप ग्राम पोखरिया ग्राम पंचायत से ना? जी जी, पोखरिया ग्राम पंचायत से। आरोप लग रहा है आपके प्रधान के ऊपर कि गोली चलाया गया, उन्होंने रात को गोली चलाया किसी व्यक्ति पर। आरोप देखिए, ये चीज़ तो मतलब सरासर इल्जाम है, जैसे सुन रहे हैं हम लोग, इल्जाम है, हम लोग तो कोई आवाज़ सुने नहीं है। और रात में उस वक्त आप ही का नहीं, नहीं हम उस गांव नहीं, हम देवना के रहने वाले हैं। अच्छा, इसके गांव वार्ड के प्रधान, और ये साथ में था, जैसे बताया ये साथ में था प्रधान साहब के। अच्छा। साथ में था उस टाइम, कोई गोली वोली नहीं चलाया, हम लोग आवाज़ भी नहीं सुने हैं, सुबह सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। आपका नाम क्या? मोहम्मद साहब।
तो सीधे तौर पर हम कुछ यहाँ उस वार्ड के लोगों से बात कर रहे थे कि किस क्या ये जो घटना सामने आई है जिसको लेकर पूरे इलाके में हलचल है। हालांकि आप दर्शकों को हम बता दें कि बंगाल में इस वक्त चुनाव का जो माहौल है बिल्कुल गर्म है, और इस गर्म माहौल में इस तरह के आरोप दरारोप और इस तरह के वाक्य सामने आ रहे हैं जिसको लेकर काफ़ी पोलिटिकली और सोशली पे हलचल मची हुई है। तो आखिर ये मामला क्या है, इस मामले को लेकर और भी हम सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इसमें पुलिस प्रशासन का भी क्या प्रतिक्रिया है, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा से तुषार विश्वासन आतोष मजुमदार के साथ मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।